गुजरात में कुल 182 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन इसकी 47 सीटें बेहद खास हैं। दरअसल ये ऐसी सीटें हैं जहां 1998 के बाद से एक ही राजनीतिक दल का कब्जा रहा है। मतदाताओं ने सालों से राज्य भर में फैली इन 47 सीटों पर एक ही उम्मीदवार या पार्टी पर अटूट विश्वास दिखाया है। वहीं अगर 2002 के बाद के चुनावों को देखें तो ऐसी सीटों की कुल संख्या 55 पहुंच जाती है। 47 सीटों की बात करें तो इनमें 31 सीटों पर बीजेपी और 15 सीटों पर कांग्रेस विजयी रही है। रिपोर्ट के अनुसार बीजेपी की जिन सीटों पर लगातार जीत रही है उनमें ज्यादातर सीटें अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत और राजकोट की सीटें शामिल हैं। वहीं कांग्रेस जिन सीटों पर पिछले कई चुनावों से कब्जा जमाए हुए हैं उनमें ज्यादातर सीटें आदिवासी बेल्ट की हैं। ये सीटें मध्य और दक्षिण गुजरात में पड़ती हैं। इसमें एक सीट भारतीय ट्राइबल पार्टी यानी बीटीपी के संस्थापक छोटू वासवा की भी शामिल है। वे 1995 से लगातार जीतते आ रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि 2012 में हुए परिसीमन के बाद भी इन 47 सीटों पर पावर शिफ्ट नहीं हुआ है। इतना ही नहीं, लोकसभा चुनावों में भी मतदाताओं का भरोसा उसी पार्टी पर बना हुआ है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने सभी 26 लोकसभा सीटें जीती थी। कांग्रेस को कोई सीट नहीं मिली थी, लेकिन कांग्रेस 9 विधानसभा क्षेत्रों में आगे रही थी, जबकि 2014 में कांग्रेस के प्रत्याशी 17 विधानसभा क्षेत्रों में आगे रहे थे। अब देखना यह होगा कि आने वाले विधानसभा चुनावों में भी क्या ये ट्रेंड बरकरार रहता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।